भाई लोग आज बात करें क्या केनी ओमेगा रिटर्न करने वाले WWE में। बहुत बड़ी अपडेट है, रूमर्स को पूरी तरीके से कंफर्मेशन मिल गई है कि अपने केनी ओमेगा रिटर्न करेंगे WWE में। और भाई लोग साथ में डिस्कस करेंगे कल होने वाली मंडे नाइट रॉ में, कि कल के मंडे नाइट रॉ में क्या कुछ देखने को मिल सकता है। और भाई लोग डिस्कस करेंगे अपनी बेली के बारे में, बेली ने बहुत ही इंटरेस्टेड बात बोली है साशा बैंक के बारे में। तो भाई लोग सबसे पहले अपने डिंग डोंग बेली के ही बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डिंग डोंग बेली कभी एक पॉडकास्ट में गई थी, उसमें उन्होंने काफी ज्यादा बातों पर डिस्कस किया। उसमें से मेन जो हाईलाइट थी वो हाईलाइट थी अपनी बैकी लिंच और साशा बैंक के बारे में। उन्होंने पहले तो बैकी लिंच के बारे में बोला, बैकी लिंच एकदम तरीके से खत्म सुपरस्टार है, उनको मैं कुछ नहीं मानती, जो कुछ भी हो सर ट्रोलिंग की वजह से है, मेरा वन ऑन वन एक बार और मैच हो जाए और मैं पूरी तरीके से प्रूव कर दूंगी बैकी लिंच एक नाम बस है, उसके अंदर कोई भी स्किल नहीं, रिंग स्किल ना तो उसके अंदर कोई स्टार पावर है। और उसके बाद उनसे पूछा गया अपनी साशा बैंक के बारे में, उन्होंने बोला कि हाँ मुझे बिलीव है साशा बैंक, मुझे बहुत सैड है लग रहा है कि अपनी साशा बैंक जो है वो WWE लॉकर रूम में नहीं है, वो WWE लॉकर रूम से जा चुकी है, लेकिन मेरे को पूरी तरीके से बिलीव है कि एक बार मेरी फ्रेंड मेरी कजिन साशा बैंक जरूर WWE रिटर्न करेगी और बहुत जल्द रिटर्न करेगी, जो कुछ भी होगा शॉर्ट आउट हो जाएगा और आने वाले टाइम में एक बार दोबारा से फोर हॉर्स वुमेन देखने को मिलेंगी WWE में। तो भाई लोग ऐसा कहना है अपनी डिंग डोंग बेली का। और भाई लोग बात करते हैं कल होने वाली मंडे नाइट रॉ के बारे में। कल की मंडे नाइट रॉ में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड चीज देखने को मिल सकती है, उसमें से मेन इंटरेस्टेड है अपने ब्रॉक लेसनर और ओमोस को। तो भाई लोग अपने जो ओमोस ने डायरेक्ट अपने ब्रॉक लेसनर को चैलेंज किया था रेसलमेनिया में मैच को लेकर के, उसके बारे में कल अपने ब्रॉक लेसनर रिस्पॉन्स कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे ब्रॉक लेसनर सभी को शॉक कर दें और ब्रॉक लेसनर आके ओमोस का चैलेंज को एक्सेप्ट ना करके उसको पूरी तरह निग्लेक्ट कर दें, तो हो सकता है भाई लोग ऐसा देखने को मिले। इसके अलावा जो अपने सेट रोलिंस है, कल सेट रोलिंस मिश टीवी में आ सकते हैं और अटैक कर सकते हैं मिच के ऊपर, वहां पे अपने लोगन पॉल आके बचाएंगे मिच को और सेट रोलिंस के ऊपर जबरदस्त तरीके से अटैक करेंगे और मैच ऑफिशियल हो सकता है अपने रेसलमेनिया के लिए। और भाई लोग अपनी लीटा और बैकी लिंच वर्सेस डैमेज कंट्रोल की स्क्राई और डकोटा काय के बीच देखने को मिलेगा एक टैग टीम चैंपियनशिप मैच, और यहाँ पे हो सकता है अपनी विक्टोरियस हासिल कर ले बैकी लिंच और अपनी लीटा। और भाई लोग अब चलिए बात करते हैं मेन खबर के बारे में, जो कि जुड़ी AEW का मैं मानता हूँ नंबर दो सबसे बड़ा मेगा स्टार अपने जॉन मॉक्सली AKD निमरोज के बाद, जो उनके बारे अपडेट आ रही है अपने केनी ओमेगा के बारे में। केनी ओमेगा के बारे में अपडेट है कि जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है AEW से वो जनवरी में एक्सपायर होने वाला था, लेकिन इंजरी के रीजन की वजह से उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अक्टूबर नवंबर तक के लिए आगे बढ़ चुका है। और बताया जा रहा है कि जो WWE वाले उनको पूरी जगह बैक स्टेज जो लोग बैठते हैं उनको बिलीव है केनी ओमेगा WWE के कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे और WWE में रिटर्न करेंगे। और केनी ओमेगा पिछली बार भी WWE में ट्रिपल एच ने 35 मिनट का रेसलमेनिया के मेन इवेंट में मैच ऑफर किया था, लेकिन तब केनी ओमेगा को पैसे ज्यादा ऑफर हुए थे अपनी सोनी खान की तरफ से, तब वो चले गए थे AEW में, लेकिन इस बार उनके लिए कुछ बचा हुआ नहीं है AEW में। और हो सकता है इस बार जिस तरीके से कोडी रोड्स को WWE वाले बुक करें वो देख कर केनी ओमेगा रिटर्न कर सकते हैं WWE में और आने वाले टाइम में केनी ओमेगा WWE में ढाकर तरीके से स्टार बन सकते हैं। तो भाई लोग ये अपडेट अपने केनी ओमेगा के बारे में और केनी ओमेगा रिटर्न को अपडेट के लेकर के। तो भाई लोग अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो आप मेरे वीडियो को लाइक करो और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू भाई लोग।